हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखते होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जरूर मेरी वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का कोफ्ता। मेरी बेटी ने कहा कि जो है मम्मी आज सब्जी मत बनाइए लौकी की, लौकी का कोफ्ता बनाइए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आज अपनी बेटी का मन रख लेते हैं और लौकी का कोफ्ता बनाते हैं। तो लौकी का कोफ्ता बनाने जा रहे हैं। उससे पहले हमने एक लौकी ले ली थी जो मेरे पापा जी खेत से लाए थे, एकदम ताज़ी ताज़ी थी। तो हमने सोचा कि एकदम ताज़ी है तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी इसकी। तो इसको पहले इसको छील लिया है। छीलने के बाद इसको धुल के दो टुकड़े में कर लिया था। देख रहे थे कि इसके बीज जो है टाइट तो नहीं है, लेकिन एकदम मुलायम है बीज। इसको धुल लिया है, साफ कर लिया है। अब इसको हम कद्दूकस में काटेंगे। इसमें कद्दूकस में काटेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। एक मिनट, कद्दूकस में इसको काट लेंगे पूरा। बेटू वहां से बेटू रोक दो जरा सा। तो ये हमने लौकी पूरी काट ली है कद्दूकस में, और अब इसका हम पानी निकालेंगे। तो हमने ये ले लिया है कपड़ा, और इस कपड़े को रख दिया इस बर्तन में, और इसमें ये पूरी लौकी हम डाल देंगे इसको। ये पूरी लौकी हमने इसमें डाल दी है, और इसका हम पानी निकाल देंगे सारा। ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा, क्योंकि लौकी में पानी बहुत होता है। और इस पानी को निकाल लेंगे, लेकिन इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इस पानी को हम फेंक देंगे अगर तो ये सारी विटामिन तो चली ही जाएगी, तो इसलिए हम इसको फेंकेंगे नहीं। और इस पानी को बाद में हम सब्जी में ही यूज़ करेंगे, ग्रेवी में। बहुत सारा पानी निकलना है। और उसको काटते सीते धो लेते हैं, एक कपड़ा लेते हैं, बहुत सारे उसमें पानी होता है, इसके अंदर धो लेते हैं, फेंक दे बस। इसको ऐसे सान लेते हैं, मगर इसको ऐसे कर लेते हैं। देखा, मेरी बेटी को भी रेसिपी पता है ये कैसे बनती है लौकी का कोफ्ता कैसे बनता है। वीडियो रोक दो बेटा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बना लिया है ये कोफ्ता। बनाने के लिए सारा सामान, इसमें मसाला, नमक, हरी मिर्च वगैरह सब चीज़ डाल लिया है, और ये हमने बना लिया है पेस्ट। और इधर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो जाएगा तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, और बॉल्स बनाने के बाद तो अब हम जा रहे हैं पकौड़ी निकालने। बंद कर लिया आखी। अरे वाह, ये क्या है? ये मेरे लिए मेरी बेटी फूल लाई है और मेरे बालों में लगा रही है। देखिए दोस्तों कैसे लग रहे हैं फूल, बहुत प्यारे हैं मेरी बेटी जो लाई है। और ये हमने लौकी में बेसन वगैरह सब गबड़ा था, मतलब मिलाया था, तो ये जो है ज़्यादा देर तक रखेंगे तो लौकी में बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ता है। इतना पानी हमने निकाला उसके बावजूद बहुत ही पानी छोड़ रहा है, तो हम इसको तुरंत निकालने लगेंगे। नहीं तो इसमें रख देंगे अगर ये घोल बना के तो बहुत ही पानी हो जाएगा।
देखिए हमारे कोफ्ते बन रहे हैं इधर और इधर हमारे कोफ्ते बन गए हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखिए एकदम एकदम मुलायम है एकदम। इसको इसकी सब्जी जब बनेगी ना तो इसको मुंह में रखिए एकदम घुल जाएंगे एकदम। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, आप लोग जरूर बनाइएगा। तो देखिए सारे कोफ्ता बनाने के लिए ये कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं, इसको पकौड़ी भी बोल सकते हैं। एकदम सॉफ्ट है एकदम सॉफ्ट। और इधर हमने कढ़ाई में हमने चढ़ा दिया है तेल और तेल में डाला है लहसुन प्याज। जब ये एकदम गुलाबी हो जाएगा तब इसमें हम ये हमने मसाला निकाल लिया है, गरम मसाला हल्दी मिर्च धनिया सारा मसाला पड़ा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मसालेदार कोई नहीं खाता है बहुत ही ज़्यादा। और ये हमने ग्रेवी के लिए निकाला है, ये जो कोफ्ता बनाया था उसका घोल बचा दिया था थोड़ा सा। तो देखिए हमारी ग्रेवी ये बन गई है, ये ग्रेवी बन गई है हमारी। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। ये हमारे कोफ्ते, ये थोड़ा सा और पक जाएंगे बस हमारी कोफ्ते की सब्जी हो जाएगी तैयार। तो देखिए हमारी कोफ्ता लौकी का कोफ्ता एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम रेडी हो गया है। अब केवल रोटी सेकनी है, चावल भी मैंने बना लिया है और अब रोटी भी बना लेंगे क्योंकि मेरे खेत में लग रहे हैं धान। तो सभी लोग गए हैं खेत में धान लगाने, अब धान लगाने के बाद आएंगे तो सभी लोग खाना खाएंगे। तो आप लोग भी जिसके यहाँ धान नहीं लगे हैं तो धान लगाइए। और बारिश तो इस समय हो नहीं रही है, गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग अपने अपने घर में इंजॉय करिए और बने रहिए मेरी वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।